Hi students, it's a nice windy day. I'm enjoying it. Hope you all are fine. Now we are continuing with our long walk to freedom. Story of Nelson Mandela. It's a long struggling walk. बहुत लंबा सा उनका सफ़र रहा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए. और कल हमने देखा था कि उनके लिए एक बहुत ही गौरवशाली पल था जब पुलिस के उच्च अधिकारी उनको सल्यूट कर रहे थे. यस, वी आर कंटिन्यूइंग पेज 322 पैराग्राफ 6. इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे इतनी परवाह नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है कि कुछ ही वर्षों पहले ये ही पुलिस के अधिकारी मुझे अरेस्ट करने वाले थे, लेकिन आज वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं. बट ही डिडंट माइंड, ही इज़ अ वेरी ब्रॉड माइंडेड लीडर जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो ऐसी छोटी मोटी बातों पर माइंड नहीं करते हैं जो ब्रॉड माइंड के लोग होते हैं, जो अपनी अच्छी और ऊंची सोच की वजह से तुच्छ बातों पर महत्व नहीं देते हैं. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फिर अंत में उस समारोह की बात हो रही है कि अंत में Impala jet planes जो थे वो V shape का धुआं छोड़ते हुए वहाँ से फ्लाई होते हुए गए, और जब वो छोड़ रहे थे धुआं तो वो इट वॉज ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, सुनहरा गोल्डन कलर का धुआं. रीजन दैट वॉज लाइक द साउथ अफ्रीकन फ्लैग, दैट्स वाई. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, they would soon know the words by heart. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस दिन, I left one line over here. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of the whites singing Nakosi Sikelel e Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the republic. तो यहाँ पे बहुत ही शानदार नए गवर्नमेंट की स्थापना के अंत में नेशनल एंथम गाया गया था, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, और वो विजन बहुत ही शानदार था. ये दृश्य जब नेशनल एंथम गाया गया था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि टू नेशनल एंथम्स गाए गए थे. एक था वाइट श्वेत अफ्रीकन्स जो हैं वो नाकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, ऐसा नेशनल एंथम था उनका, और दूसरा ब्लैक के अश्वेत लोगों का, अश्वेत ब्लैक साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स का था डी स्टेम, जो कि उनका वास्तविक बहुत ही पुराना नेशनल एंथम था. ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, और उस दिन ऐसा हुआ था कि ना ही श्वेत और ना ही अश्वेत, ना ही घोरे ना ही काले अफ्रीकन्स, किसी को भी अपने अपने एंथम्स का ध्यान नहीं था कि उनकी लिरिक्स क्या है. और आज तक उन्होंने एक दूसरे की नेशनल एंथम से घृणा ही की थी, हेट ही किया था. वाइट अफ्रीकन्स ब्लैक नेशनल एंथम से घृणा करते थे, एंड ब्लैक जो साउथ अफ्रीकन्स थे वो वाइट नेशनल वाइट लोगों के नेशनल एंथम को हेट करते थे. लेकिन अब तक ऐसा सिचुएशन था, लेकिन नेल्सन मंडेला द लीडर ऑफ द ब्लैक्स, उन्होंने कहा दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्द ही वो
अपने अपने नेशनल एंथम सीख लेंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. उस दिन नई सरकार की उद्घाटना, नई सरकार की जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब नेल्सन मंडेला को हिस्ट्री की, उनके देश के इतिहास की कुछ बातें याद आने लगी. उन्होंने कहा और वो सोचने लगे कि इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी बिगिन हुई थी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ. उनके जन्म के पहले की बात है कि एक वॉर हुआ था, एंग्लो बोर वॉर. उस वक्त की बात है कि द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड. तो उस वॉर के बाद क्या हुआ था, ये जो वाइट साउथ अफ्रीकन्स थे, उन्होंने जो है आपसी मतभेद को पैच अप कर दिया, पैच्ड अप देयर ओन डिफरेंसेस उन्होंने पैच अप कर लिया और वो एकजुट हो गए और उन्होंने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय प्रभुत्व वाली सिस्टम, जातीय प्रभुत्व वाला गवर्नमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया डार्क स्किन्ड पीपल, काले लोगों के खिलाफ, अपनी ही भूमि के, देयर ओन लैंड, अपनी ही भूमि के काले लोगों के खिलाफ उन्होंने एक रंग भेदभाव का, जातीय प्रभुत्व का गवर्नमेंट टाइप का सरकार इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे वाइट जो है ओवर रूल्ड द ब्लैक पीपल्स. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. जो भी स्ट्रक्चर, जो भी ढांचा उन्होंने इस टाइप का बनाया था, वाइट पीपल ओवर रूलिंग द ब्लैक, इस सिस्टम, ये सिस्टम जो है संसार का सबसे ही कठोर, हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमेन, सबसे अमानवीय प्रकार का ढांचा था. नाउ इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, अब टाइम कौन सा आया था, इसी 20th सेंचुरी के आखिरी वर्ष जब चल रहे थे, एंड माई ओन 8th डेकेड, और लगभग 80s में नेल्सन मंडेला का एज था एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवर टर्नड फॉर एवर. वो सिस्टम जो उन्होंने 20th सेंचुरी के शुरुआत में स्थापित किया था, वो पूरी तरह से पलट, सब लोगों के स्ट्रगल से, फाइट से, सब लोगों के चाहने से, उस सिस्टम को पूरी तरह से उन्होंने अप डाउन टर्न कर दिया, फेल कर दिया, उन्होंने उसके अगेंस्ट फाइट किया, फॉरएवर, हमेशा के लिए बंद कर दिया उन्होंने, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. और फिर एक नए सरकार उनके स्थान पर रिप्लेस, उस पुरानी सिस्टम के जगह पे एक न्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे ऑल पीपल के अधिकार, ऑल पीपल की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया, चाहे वो किसी भी रंग जाति का क्यों ना हो. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. तो नेल्सन मंडेला के इस लेसन में वो कह रहे हैं कि ये जो दिन आया है ना, ये हमारे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान की वजह से आया है. मैं और आप, द रीडर एंड द लिजनर, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस वहाँ के लोगों ने, इतने बलिदान दिए तब जाके, और हजारों लोगों ने बलिदान दिए तब जाके आज का दिन आया कि न्यू गवर्नमेंट स्थापित हुई है. और उनका कहना है कि उन पीपल की जो सफरिंग्स थी, जो साहस था, जो पीड़ा उन्होंने सहन की और जो उन्होंने हिम्मत दर्शाई, उस हिम्मत को ना ही काउंट किया जा सकता है, ना ही हम उसे काउंट कर सकते हैं कि एक इंसान ने या 100 इंसानों ने या हजारों ने ऐसे किया. यू कांट काउंट देम, एंड ना ही उनकी सैक्रिफाइस को हम रीपे कर सकते हैं, ना ही पुनः उनकी सैक्रिफाइस का मूल्य
चुका सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू लूज अ लाइफ एंड समवन पेस 1 lakh और 5 lakh और 10 lakhs फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ. क्या लाइफ मिल सकती है? क्या वो पर्सन रीबॉर्न हो सकता है? क्या उसकी जगह कोई ले सकता है? नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो यहाँ पे वो पेन को महसूस करते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनकी सैक्रिफाइसेस को ना हम काउंट कर सकते हैं, ना ही उनकी सैक्रिफाइसेस को हम रीपे कर सकते हैं. दैट वॉज अ ग्रेट थिंग जो उन्होंने फील किया और हमें फील करवा रहे हैं. तो हमें भी बेटा हमेशा किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी सैक्रिफाइसेस देने के लिए तैयार होना चाहिए. बी इट फैमिली, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट एजुकेशन, बी इट सोसाइटी, बी इट नेबरहुड. हमें भी अपने आप को ऐसे तैयार करना चाहिए कि हम भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग कुछ सैक्रिफाइसेस देने योग्य बने. उसके लिए हमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए. यस, ओके, वील कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. अंटिल देन, बाय.